कितना लगवाइए यहाँ पे बस सामने देखिए यहाँ पे सामने कैमरा थैंक यू यस सर रुद्रा फिल्म को लेकर के मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं पर्दे पे नहीं पहली बार नहीं ये दूसरी बार है क्योंकि मैंने इच्छाधारी में भी डबल रोल प्ले किया था लेकिन वो डबल रोल ऐसा था कि एक हीरो मर जाता है तो दूसरी जब नाग आता है तो उसी रूप में होता है जो बहुत बड़ी हिट इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही है इच्छाधारी। रुद्रा मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए है कि मैं रुद्रा में डबल रोल कर रहा हूँ, एक रोल में मैं कॉलेज बॉय बना हुआ हूँ तो कॉलेज बॉय का रोल कर रहा हूँ और उसी कॉलेज बॉय का रोल बाप भी हूँ मैं, मतलब मैं खुद के बाप का रोल कर रहा हूँ पर्दे के ऊपर, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। दो गेटअप होगा, दो एटीट्यूड होगा, दो तरीके के किरदार को एक साथ एक पर्दे पर जीना होगा मुझे। एक में मैं कॉलेज बॉय का रोल कर रहा हूँ तो दूसरे में एक गांव के मसीहा टाइप का एक बंदा है, जैसे बुलंदी में आप रजनीकांत जी को देख चुके हैं उस टाइप का रोल है, तो मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग है और चैलेंज मुझे शुरू से बड़े पसंद हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूँ चैलेंज को दिल से, तो रुद्रा का चैलेंज भी मैंने दिल से एक्सेप्ट किया है और उम्मीद करता हूँ कि मेरे भोजपुरी दर्शकों को यश कुमार एक अलग अंदाज में नज़र आएगा। आपके साथ में और नायिका की बात करते जी, नायिका मेरे साथ देखिए मैं किसी हीरो का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बस अपने लिए इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश रही है कि मैं हर वक्त नए नए लोगों के साथ काम करूँ, अलग अलग लोगों के साथ काम करूँ जिससे मेरे जोड़े में फ्रेशनेस नज़र आए। मेरी अभी फिल्म रिलीज़ हो रही है रंगदारी टैक्स जिसमें मैं पूनम दुबे के साथ में हूँ, रंगदारी टैक्स के बाद से रिलीज़ होगी एक रजाई तीन लुगाई जो भोजपुरी में पहली बार आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म होगी, उसमें तीन नई नायिकाएं मेरे साथ लॉन्च की जा रही हैं। उसके बाद आएगी मेरी फिल्म मोहब्बत जिंदाबाद जो बहुत ही स्वीट सी लव स्टोरी है, उसमें मैं निधि झा के साथ नज़र आऊँगा। इसके बाद से एक और मेरी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है एक्शन राजा, उसमें नेहाश्री और अर्चना सिंह के साथ नज़र आऊँगा। फिर अभी मेरी एक अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म जा रही है जिसका नाम है कसम पैदा करने वाले की, उसमें मैं निधि झा और रितु सिंह के साथ काम कर रहा हूँ। रुद्रा में दो हीरोइन हैं तनुश्री एंड सेकंड हीरोइन का नाम है नेहा निशा दुबे। तो मेरी जितनी भी फिल्में आ रही हैं अलग अलग हीरोइनों के साथ आ रही हैं और सबके साथ काम करने का जब चूँकि जिसके साथ हम काम कर लेते हैं वो रूटीन हो जाता है, लेकिन नए लोगों के साथ तालमेल जमा करके काम करना एक चैलेंज होता है और मुझे चैलेंज बड़े अच्छे लगते हैं। राकेश भारद्वाज जी मेरे काफ़ी करीबी मित्र हैं और हम लोग मैं भी पहले डायरेक्शन में था हिंदी इंडस्ट्री में बॉलीवुड में, हम और वो साथ साथ में असिस्ट किया करते थे, मुझे अचानक से भोजपुरी में ब्रेक मिला और मैं आज हीरो बन गया हूँ भोजपुरी में। तो भोजपुरी का लगाव राकेश भारद्वाज जी को खींच करके लाया, एक बड़ी ही शानदार कॉन्सेप्ट मिला उनको और वो कॉन्सेप्ट मुझे सुना करके बोले कि यश मुझे आपके साथ इस फिल्म में काम करना है, तो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था कि मैं चाह के भी मना नहीं कर पाया। राकेश भारद्वाज जी मुझे जहाँ तक यकीन है कि बड़ी ही कमाल की फिल्म लेकर के आएंगे रुद्रा के रूप में आप लोगों के सामने। आखिरी सवाल टाइटल की बात करें रुद्रा जी, क्या बयां करते? रुद्र रूप तो शिव जी का रूप है और एक ही सत्य है वो शिव है, तो रुद्रा टाइटल इसको आप किसी चीज़ से जोड़ सकते हैं, धर्म से जोड़ सकते हैं, भावनाओं से जोड़ सकते हैं, मोहब्बत से जोड़ सकते हैं, एक्शन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि शिव ही एक ऐसा रूप है, एक ऐसा नाम है जिसके अंदर आपको पति का भी प्यार मिलता है, बच्चे का भी प्यार मिलता है, हर रूप में एक ही रूप है वो शिव का रूप है, तो शिव का ही नाम है रुद्रा। तो रुद्रा के रूप में आपको जो कलाकार यश कुमार आपके बीच में आने वाला है उसमें कॉमेडी करते हुए भी नज़र आएगा, इमोशंस भी है, अफेयर भी है, प्यार है, इश्क है और एक्शन उस लेवल का है कि उसकी तारीफ नहीं करूँगा, सामने आएगा तो आप लोग उसका फर्स्ट लुक जब आएगा तो देखेंगे और जैसा कि आप पोस्टर देख रहे हैं रुद्रा का तो एक अलग ही चीज़ें बयां कर रहा है ये रुद्रा। ये रुद्रा का घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं है, आप लोगों ने अभी तक जितनी भी भोजपुरी में फिल्में बनी हैं उसमें आप लोगों ने घोड़े को महज एक सवारी के रूप में देखा है कि हीरो हमारा घोड़े पे बैठता है और उसकी सवारी करता है, ये घोड़ा मेरी फिल्म का दूसरा हीरो है, जो बाप जो मतलब यश कुमार जो फादर के रोल में है उस समय से ये घोड़ा उनका वफादार दोस्त है, एक वक्त में उसको मारा जाता है और मारने के बाद से कहानी कहाँ से मोड़ लेती है, किस तरीके से ये घोड़ा उस लड़के तक पहुँचता है जो बच्चा उस समय एक साल का रहता है 24 साल का हो जाता है उस तक पहुँचता है, उसको किस तरीके से गांव में लेकर के आता है, किस तरीके से बुराइयों का अंत होता है, ये घोड़ा और यश मिलकर के करेंगे जो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, आप सबको देखने के बाद से बड़ा ही मज़ा आएगा। घोड़ा
थोड़ी की आपने बात की कुछ गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की कि आप एनिमल्स को यूज नहीं करते। हाल ही में एक शूटिंग के दौरान एक हाथी जो है मर गया फिल्म सिटी में। जी जी तो जी आपको नहीं लगता कि एनिमल्स यूज किया गया कहीं कंट्रोवर्सी में आ जाए, फिल्म बीच में अटक सकती है? नहीं, देखिए मेरा एक मानना है कि आप जो कुछ भी करें उसके साथ साथ एनिमल लवर काफी कोर्ट तक लेकर जाते हैं इस मैटर। जी बिल्कुल लेकर के जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को क्रूरता में दिखाते हैं, किसी चीज़ के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम प्रताड़ित कर रहे हैं तो समझ में आता है। बल्कि मैं बोलूँगा कि एनिमल वेलफेयर वाले जो हैं वो शायद प्राउड फील करेंगे कि हम लोगों ने घोड़े को किस रूप में दिखाया है। घोड़ा यहाँ पर एक सच्चा साथी बन करके आ रहा है और घोड़े को कहीं मार नहीं पड़ रही है। ये फिल्म में घोड़ा एक हीरो है जो अपना स्टारडम दिखा रहा है कि आई एम द हीरो बॉस, तो शायद इस पे किसी को एतराज़ नहीं होगा। और जहां हमको लगेगा कि ये शॉट रिस्की है तो VFX का पूरा ध्यान में रख करके इस फिल्म को बनाई जा रही है। जैसे अभी मेरी एक फिल्म फ्लोर पे जा रही है परसों, कसम पैदा करने वाले की मैं पहली बार मदारी का रोल कर रहा हूँ। मदारी के रोल में मेरे साथ बंदर है और कुत्ता है, तो मुझे मालूम है कि जब मैं बहुत ज़्यादा एक्शन करवाने वाला हूँ कुत्ते से और बंदर से, जो पॉसिबल नहीं है रियल में जानवरों से कराने के लिए, तो मैंने VFX की पूरी टीम को बुलाया हुआ है जो पुणे से आई हुई है। वो पूरी VFX की टीम बैठ करके कसम पैदा करने वाले के लिए काम कर रही है। तो हमें भी ये चीज़ें मालूम है कि हमको जानवर को कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं और किस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को नज़र में रख करके बनाई जा रही है कसम पैदा करने वाले की। और रुद्रा कौन सी मूवी है जिसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं? जी अभी मेरी पहली फिल्म है, इसका नाम है रुद्रा। माइक नीचे। स्टार कास्ट की बात करें, इसमें कौन कौन है? इसमें यश कुमार मिश्रा जी हैं, अवधेश मिश्रा हैं, मनोज टाइगर जी हैं, श्रवण तिवारी हैं, और हीरोइन में तनुश्री चटर्जी जी। किस तरह की मूवी है, कितने कमर्शियल है मूवी या स्टोरी किस टाइप से है इसकी? ये एक्शन मूवी है, फुल्ली एंटरटेनिंग है, एक्शन से भरपूर है, पूरी फिल्म मसाला है। और उसके साथ में स्टोरी की अगर बात करें, किस तरह की स्टोरी है? जैसे पोस्टर में दिखाया गया घोड़ा दिखाया है, एक हीरो दिखाया, बस उसके क्या स्टोरी क्या है? स्टोरी का यश जी का डबल रोल है इसमें, तो एक्शन रिवेंज फिल्म है। आप इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हो तो कितना एक्साइटमेंट है आपको? पहली मूवी है आपकी? बहुत ज़्यादा है। इससे पहले आप कितनी फिल्में एज ए असिस्टेंट कर चुके हैं? और काफ़ी फिल्में की है। कौन सी मूवी है? रामू जी के साथ किया था, सत्या थी, डी थी, और GTV पे काफ़ी दिन तक। जैसे रामू जी की फिल्मों में एक अलग एक्शन वगैरह रहता है, इसमें भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आज की स्टाइल का नया ट्रीटमेंट मिलेगा पूरी तरह से। म्यूजिक की बात करें, किस तरह का म्यूजिक रखा है इसमें आपने? म्यूजिक हमारे यश कुमार जी हैं, काफ़ी बढ़िया म्यूजिक बनाया इन्होंने, और आज हम लोग म्यूजिक से ही इसका मुहूर्त कर रहे हैं फिल्म का। कब तक ये फ्लोर पे आएगा? शूट कहाँ कहाँ पे होने वाला है? 20 दिसंबर से फ्लोर पे जा रही है और शूट होगी संजान गुजरात में। थैंक यू। आपका नाम? यश कुमार। यस, इस मूवी से कैसे जुड़े हैं आप? सर प्रोड्यूसर की मेहरबानी है, हमारे डायरेक्टर साहब की मेहरबानी है और यश मिश्रा जी की मेहरबानी। क्या योगदान आपका इसमें, क्या कर रहे हैं आप इसमें? म्यूजिक कर रहा हूँ सर इसमें। किस तरह के म्यूजिक है? सब तरह के सर है, मेलोडी है, हर तरह के इसमें गाने रहेंगे। आपका टाइम ना लेते हुए खाली एक लाइन हम गुनगुनाना चाहेंगे, किस तरह के म्यूजिक है गुनगुनाएंगे दर्शकों के सामने? अभी तो फर्स्ट गाना बना है। हाँ, कोई भी एक लाइन क्या है? रोमांटिक बना रहा हूँ, इसे भी सुना देता हूँ, है ना। दिल के देवता तू बन गईला, मन के मंदिर में बस गईला। दिल के देवता तू बन गईला, मन के मंदिर में बस गईला। राजा कौन जादू हम पे चला दी हला, हमके क्षण ही में अपना बना ली हला, हमके क्षण ही में अपना बना ली हला। इसमें आवाजें किसकी रहेंगी? सर देखिए, जो मार्केटिंग सिंगर है सब गा रहे हैं, उसी की आवाज़ रहेगी। यश मिश्रा जी खुद गा रहे हैं इसमें, और इंदु सोनाली जी हैं, अमेला है, जो मार्केटिंग सिंगर है सब इसमें गा रही है। म्यूजिक को लेकर कितने कंपटीशन में हैं आप? सर मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है, मैं अपना अपने काम पर विश्वास रखता हूँ।
कि भोजपुरी में कंपटीशन आ चुका है, पहले जो गाने होते थे घगरा चोली ये वो मतलब डबल मीनिंग होते थे, वो सब बदल चुका है, अब कितना बदलाव आ चुका है, साफ सुथरी फिल्में चाहते हैं लोग, फिल्में बिकती नहीं अगर अश्लील मूवी होती है तो, यहाँ छोड़ो बिहार में भी नहीं बिकती, यहाँ तो लोग उल्टा ही बोलते हैं कि अश्लील नहीं बनाओगे तो पिक्चर नहीं चलेगी, उल्टा ही है अश्लील वो अश्लील नहीं है जो जैसे डबल मीनिंग मूवीज होती थी उस टाइप से बात करें, वो तो नहीं बन रही है लेकिन अच्छी फिल्म बननी चाहिए और अच्छी फिल्म बन रही है, मैं काफ़ी फिल्में भी कर रहा हूँ और अच्छे गाने देने की कोशिश करता हूँ, इसमें भी काफ़ी अलग कुछ करूँगा। थैंक यू सर, आप दोनों का इंट्रोडक्शन बारी बारी। हाँ सर, जयप्रकाश सरोगल्ला, लक्ष्मण गुप्ता। सर इस फिल्म में आप एज ए प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर होने के नाते आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह की मूवी है और कितनी कमर्शियल है ये और किस किस को आपने लिया है इसमें? कमर्शियल जैसी रेगुलर मूवी है वैसी नहीं है, एक्शन से भरपूर है और थोड़ी साफ सुथरी, थोड़ी क्या बहुत ही साफ सुथरी मूवी है, भोजपुरी को जो ऊपर लेके जाएगी मूवी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो ये बोला सर वही मैं बोलना चाहूँगा। इसमें यस को लेने खास रीजन? यस मिश्रा जी का लेने का खास रीज़न क्योंकि हमने उनकी एक्शन मूवी देखी, एक्शन बहुत अच्छा करते हैं, रोमांस भी अच्छा ही करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, इसके लिए शूट कहाँ पे किया जाएगा? उनमें स्टाइलिश है और हीरो से मेरे मतलब शूट कहाँ पे किया जाएगा इस मूवी का? गुजरात में, संजन में किया जाएगा। थैंक यू सर।